नमो नमः। दो बड़े अध्येताओं और विशेषज्ञों के व्याख्यान के बाद मेरे जैसे आदमी को क्या कहना चाहिए मालूम नहीं। उस पर से डॉक्टर श्रुति ने थोड़ा मुझे बांध भी दिया। ये अलग कठिनाई है। यद्यपि मैंने यह माना था इस प्रकार के अकादमिक कार्यक्रमों की अध्यक्षता करने से आसान धरती पर कोई काम नहीं होता। हम करते भी है, जिसको कराने के लिए अकादमिक कार्यक्रमों में कोई काम नहीं होता, हम उसको चेयर करा देते हैं। मैं इसी रूप में लेकर के चल रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि एक अध्यक्ष के रूप में किसी विषय पर केंद्रित करके भी व्याख्यान करना। तथा दूसरी बात स्पष्ट करूंगा, बात कितनी मैं कर पाऊंगा मुझे नहीं मालूम है। 4:30 पर मुझे एक दूसरे कार्यक्रम के लिए जाना है, वर्धा में हूं और गांधी जयंती की पूर्व संध्या है। स्वाभाविक तौर पर कुछ काम अपने भी जिम्मे आ ही गया है। तो एक 10-15 मिनट में कोशिश कर रहा हूं। मेरे लिए ये विषय थोड़ा सा इस दृष्टि से भी अच्छा है कि राजन ने नमिता जी से एक सवाल करते हुए मुझे उद्धरित करके कहा था कि मैं गांधी को पहला पोस्टमॉडर्निस्ट मानता हूं और सभ्यता के उसी आलोक पर मुझे डॉक्टर श्रुति ने बात करने के लिए भी कहा है। मैं जब इस बात को कह रहा हूं तो एक बात को समझना कि गांधी जी कोई समाज वमाज नहीं बनाना चाहते थे। समाज शब्द का प्रयोग करते हुए सिर्फ मनुष्यों के अंतर संबंधों के आधार पर मिलने वाली किसी रचना की बात होती है। गांधी जब स्वराज की बात हिंदू स्वराज में कर रहे हैं तो एक विशिष्ट विश्व दृष्टि। एक विशिष्ट सभ्यता की विश्व दृष्टि की बात कर रहे हैं। गांधी 30 वर्ष बाद 39 में महादेव देसाई से चर्चा करते हुए हिंदू स्वराज्य के अपने विचारों की सफलता के बारे में जब मूल्यांकन कर रहे हैं अपना, तो कह रहे हैं, पहली बात तो कह रहे हैं कि हिंदू स्वराज्य में मैंने जो कुछ भी लिखा है उस पर आज भी मैं कायम हूं। उसकी प्रत्येक पंक्ति पर कायम हूं, प्रत्येक शब्द पर कायम। हाँ, यह अलग बात है कि मेरे सारे यत्नों के बाद हिंदू स्वराज्य की जो अवधारणा थी उस अवधारणा को अभी मैं लोगों को समझा नहीं पाया। अब हिंदू स्वराज्य में जिस सभ्यता की आलोचना गांधी ने की है, उसके बारे में उन्होंने कोई छिपा करके तो बात नहीं कही है। वो स्पष्टता के साथ ये कह रहे हैं कि पश्चिम से एक सभ्यता की आंधी आ जा रही है जो स्वभाव में ही राक्षसी है। अब राक्षसी होने का तात्पर्य क्या है? मनुष्य को काट करके हंडिया में पका करके खाने वाला राक्षस होता है, या गांधी कुछ और कह रहे हैं? तो स्पष्टता कह रहे हैं कि एक ऐसी सभ्यता आ रही है जो अपनी ऐंद्रिक आवश्यकताओं की, अपने समकालीन मनुष्य की ऐंद्रिक आवश्यकताओं की, अपने समूह की ऐंद्रिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दुनिया के किसी भी हिस्से में कुछ भी करने को तैयार है या कर रही है। ये शेष विश्व को जिसको वो अपने से इतर मानता है, अन्य मानता है, उसको उसकी जीवन प्रणाली को नष्ट करने वाली है। गांधी जब ये बात कर रहे थे, गांधी दक्षिण अफ्रीका से भी परिचित है, गांधी अमेरिका से भी परिचित है, गांधी पूरे अफ्रीका से परिचित है, गांधी लेटिन अमेरिकी देशों से भी परिचित है, गांधी हिंदुस्तान से भी परिचित है।
किस प्रकार से इन देशों में जो सभ्यताएं थी, जो जीवन प्रणाली थी, सहज स्वाभाविक रूप से वहां की भाषा, वहां के भूमि के संघात के द्वारा वहां के मनुष्य ने विकसित किया था, उसको निगल गई थी। और गांधी की समझ इस मामले में बहुत स्पष्ट है। अब्राहमिक रिलीजन्स ने भी बहुत दुनिया का नुकसान पहुंचाया, बहुत सारी सभ्यताओं को नष्ट किया, लेकिन उनकी मूल भित्ति को वो नहीं नष्ट कर सके, क्योंकि उनकी ग्रासिता की क्षमता, उनकी निगल जाने की क्षमता सीमित थी। परंतु औद्योगिक क्रांति के बाद जो जीवन प्रणाली विकसित हुई, जिसे बाद में मॉडर्न सिविलाइजेशन के रूप में, मॉडर्निटी के रूप में पूरी दुनिया में आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया, वो सर्वग्रासी थी। वो पूरब पश्चिम, यूरोप के पूर्व और पश्चिम जिधर भी गई, उधर की मूल सभ्यता को उसने समाप्त कर दिया, मूल जीवन प्रणाली को समाप्त कर दिया। गांधी को पूरी दुनिया का परिचय प्राप्त करने के बाद भारतीय सभ्यता दृष्टि पर एक विश्वास बनता है कि अगर यह अपने पैरों पर खड़ी हो और भारत का जनमानस इसको स्वीकार करे, तो पश्चिम से बह रही राक्षसी सभ्यता दृष्टि को रोका जा सकता है, अन्यथा यह सबको पागल बना देगी। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, हिंदू स्वराज्य के लिखने के बाद आते हैं। और उसके जो कारण थे, दुनिया के इतिहास को इस दृष्टि से बदलने वाले थे, इसके पहले जितने भी बड़े युद्ध दिखाई दे रहे थे इतिहास में, जिस रूप में प्रस्तुत हो रहे थे, वो सब पांथिक कारणों से थे। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध दो बड़े ऐसे युद्ध आए थे जिसमें पांथिकता कारण, जिसमें सभ्यता की रचनाएं कारण, वो राज्य होगा, साम्राज्य होगा। द्वितीय विश्व युद्ध में उत्पादन और वितरण के तरीके भी बड़े कारण के रूप में थे, उत्पादन और वितरण के आधार के तरीकों के आधार पर संपत्ति की व्यक्ति के अधिकारिता और समाज की अधिकारिता के विभाजन के आधार पर दो खेमे द्वितीय विश्व युद्ध में बनते हुए दिखाई देते हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो ये धरती इस लड़ाई में लंबी रही है जिसमें पांथिकता कोई कारण नहीं थी। पांथिकता का युद्ध चल रहा, अब भी चल रहा, लेकिन पांथिकता के उस युद्ध में गांधी 1909 में ही धर्म और अधर्म की लड़ाई की बात करते हैं। हिंद स्वराज्य गांधी की धर्म दृष्टि का अभिलेख है। गांधी की धर्म दृष्टि वस्तुतः एक सभ्यता दृष्टि है, इसलिए 1921 में, 22 मई 1921 गुजराती नवजीवन में गांधी लिखते हैं कि मैं राम राज का अर्थ स्वराज करता हूं, धर्मराज समझता हूं और लोकराज समझता हूं। 1923 में वो जाकर के कहते हैं कि रामराज शब्द से किसी को आपत्ति है तो मैं इसको धर्मराज ही कहूंगा। 1925 में वह एक और महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि राम राज बिना स्त्रियों की सहभागिता के नहीं हो सकता है। अब ब्रिटिश संसद में समान मताधिकार स्त्रियों को 1927 में प्राप्त होता है। गांधी की चिंता वहां भी है।
1917 में भारत में प्राप्त हो गया था, इसलिए भारत तो कारण नहीं हो सकता। अगर राजनीतिक सहभागिता की, राजनीतिक समानता की बात करें, और राजनीतिक समानता को ही सभी प्रकार की समानताओं के मूल में जो दृष्टि देख रही थी, उस दृष्टि से तो यहां नहीं बात आती है। लेकिन गांधी का प्रश्न सहभागिता का, विशेष करके राजनीतिक सहभागिता का, स्त्री सशक्तिकरण के प्रश्न, वह संपूर्ण सभ्यता में जो स्त्री की स्थिति है उसको लेकर के है। इसलिए गांधी सभ्यताओं के युद्ध के खिलाफ है। राज्यों के युद्ध की अपेक्षा जब सभ्यताएं लड़ती हैं तो ज्यादा विप्लव होता है। द्वितीय विश्व युद्ध जिसकी गांधी खिलाफत करते हैं, और हम ये समझ सकते हैं कि उस समय गांधी जो खिलाफत कर रहे हैं वो खिलाफत इसलिए कि वो आजादी का आंदोलन को लड़ रहे हैं। गांधी प्रथम विश्व युद्ध के खिलाफ नहीं है, द्वितीय विश्व युद्ध के खिलाफ है। तो वह इसलिए नहीं है गांधी द्वितीय विश्व युद्ध के खिलाफ, बल्कि सभ्यता ने पहली बार मशीन के सामने मनुष्य को युद्ध में भी कमजोर साबित किया है। पहली बार मनुष्य के नाश के इस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ, जिससे लड़ाई से धरती खत्म हो जाएगी इसकी संभावना है ना, जिसकी परिणति अंत में हिरोशिमा और नागासाकी के बॉम्ब्लास्ट में आई। गांधी सभ्यता जनित तकनीक के परिवर्तन और तकनीक के परिवर्तन के आधार पर मनुष्य के नाश के उपकरणों के विकास की गति को देख रहे हैं। अब जब बटन दबाने मात्र से, उंगली के पुरवे हिलाने मात्र से यह सृष्टि पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, इस प्रकार की परिस्थिति आई हो, तो यह किसी राजनीतिक व्यवस्था से नहीं रोका जा सकता है। यूएनओ जैसी राजनीतिक व्यवस्था से भी नहीं रोका जा सकता। और उसकी असफलता के किस्से तो अभी हम यूक्रेन रूस युद्ध में ताजी 3 दिन में हुई घटनाओं के आलोक में देख सकते हैं। क्योंकि गांधी मानते हैं कि पागलपन की सभ्यता ही ऐसी है जो मनुष्य विरोधी है, मानवता विरोधी है। इसलिए गांधी एक अहिंसा पर आधारित सभ्यता की बात करते हैं। और गांधी कहते हैं कि 1939 में कहते हैं कि सत्याग्रह पर थोड़ा विश्वास तो बढ़ा है लोगों का, लेकिन अहिंसा भारत के लोगों ने अभी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। अन्य व्रतों की तो बात छोड़िए, जब तक अहिंसा भारत के अंदर भारतीय मन का स्वभाव बन करके नहीं आता है, तब तक हिंद अपने स्वराज पर, अपने स्वबोध पर, स्वधर्म पर खड़ा नहीं हो सकता, और हिंद स्वराज वाला नहीं हो सकता है। ये 39 में वो कह रहे हैं जब आजादी की निर्णायक लड़ाई उसके 1-2 वर्षों बाद छेड़ते हैं गांधी। वस्तुतः गांधी को 2-3 दृष्टियों से अलग करके समझना पड़ेगा। गांधी स्वराज के बारे में एक बड़ी मजेदार बात कहते हैं कि स्त्रियों की सहभागिता के बिना अगर स्वराज आ गया भारत में तो वह निकम्मा स्वराज्य होगा। वह स्वराज गांधी इस दृष्टि से मनुष्य में जन्मना जाति व्यवस्था के भी विरोधी है, स्वराज में जाति व्यवस्था नहीं होगी। अब जाति व्यवस्था कोई भारतीय मजबूरी नहीं है,
यह रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जन्म के आधार पर, सभी प्रकार से जातीयता का भाव, यह एक वैश्विक स्वभाव है। वस्तुतः गांधी एक ऐसी सभ्यता के पक्षधर है जिसको सही अर्थों में राम राज कहा जाए, और वह प्रथमतः अहिंसा पर आधारित होगी। जब अहिंसा पर आधारित कोई सभ्यता दृष्टि बनेगी तो उसमें मनुष्य के विजय के उपकरण और साधन क्या होंगे, तो उसके लिए एक आदर्श उपलब्ध है। तो गांधी एक ऐसी सभ्यता की बात कर रहे हैं जो 400 वर्षों में मनुष्य का दिमाग जिसने बदला है, अंतर वैयक्तिक संबंधों को बदला है, मनुष्य और प्रकृति के रिश्तों को बदला है, मनुष्य और अन्य प्राणियों के रिश्तों को बदला है, और सर्वत्र वैर भाव की, प्रतियोगी की, प्रतिद्वंदिता की, विरोधिता की दृष्टि विकसित की है, उसको समाप्त करते हुए सच्ची अहिंसा जो वैर भाव त्याग पर आधारित है, वो कैसे बनेगी। और गांधी ने अपने आजादी के आंदोलन की लड़ाई में ब्रिटिशर्स के साथ वैर भाव का त्याग करते हुए भी अपनी आजादी की लड़ाई और दूसरों की भी आजादी की लड़ाई, ये कैसे लड़ा जा सकता है, गांधी ने इस प्रयोग के आधार पर दिखाया। बड़े स्तर पर गांधी के प्रयोगों में हमें असफलता जैसा दिखेगा जब हम जड़ता में गांधी को लेते हैं, गांधी को यह समझ रहे हैं कि वो खाली व्यक्ति निर्माण का एक आश्रम व्यवस्था खड़ा कर रहा है। वस्तुतः गांधी समाज निर्माण की एक प्रक्रिया के अध्येता के रूप में आश्रमों का प्रयोग कर रहे हैं, और नमिता जी ने लंबी उस पर चर्चा की है। पर एक बात स्पष्ट है, गांधी जिस सभ्यता की बात कर रहे हैं और जमनालाल बजाज से भी वर्धा में बातचीत करते हुए गांधी ने इसी बात को कहा था जो महादेव देसाई के साथ कहा था, वही जमनालाल बजाज के साथ भी कहा था कि हिंद स्वराज्य को कोई सफलता नहीं प्राप्त हुई है। थोड़ा बहुत सत्याग्रह अहिंसा की बातें लोग करने लगे हैं, लेकिन अभी भारत के लोगों का मन इस पर जमा नहीं है। वास्तविक अहिंसक समाज की निर्मिति करनी पड़ेगी। वास्तविक अहिंसक समाज की निर्मिति मशीनीकरण के आधार पर मनुष्य का कल्याण हो सकता है, यांत्रिकता के बहुतर विस्तार के द्वारा मनुष्य जाति की कल्याणकारी सभ्यता निर्मित हो सकती है। गांधी इसके खिलाफ है। गांधी न तो मशीन के खिलाफ है, न विज्ञान के खिलाफ है, न तकनीक के खिलाफ है। मनुष्य के मन को मनुष्य की बुद्धि को मशीनों पर आश्रित करने वाली मनोवृत्ति के खिलाफ है। मनुष्य की अपेक्षा मशीन को अधिक कल्याणकारी मानने वाली दृष्टि के खिलाफ। संपूर्ण औद्योगिक सभ्यता का विकास इसी आधार पर हो रहा है, सारे मनुष्य के लिए अधिकतम सुख के साधन उपलब्ध कराने हैं, इसलिए प्रकृति का शोषण और मशीन के द्वारा अधिकतम उत्पादन करके ही हम आपूर्ति को ग्लोबल सप्लाई चेन बनाए रख सकते हैं। आज ग्लोबल सप्लाई चेन को बनाए रखने के लिए
जो तर्क प्रस्तुत किए गए उन तर्कों के मूल पर गांधी ने प्रहार किया था। मैं गांधी को जब पोस्ट मॉडर्निस्ट कहता हूं तो उसको मिशेल फुकुयामा ने जिस संदर्भ में पोस्ट मॉडर्निज्म शब्द का प्रयोग किया है उसमें लेने की जरूरत नहीं है। वो मॉडर्निज्म की कोख से निकली हुई एक व्यवस्था को, एक समाज दृष्टि को, एक जीवन प्रणाली को पोस्ट मॉडर्निज्म के रूप में ले रहे हैं, लेकिन गांधी आधुनिक सभ्यता की मूल मान्यताओं पर आक्रमण करते हुए, अगर सेकुलरिज्म भी वह आधुनिक सभ्यता की मूल मान्यताओं में से एक है तो उसको भी दरकिनार करते हुए, इसीलिए मैं कह रहा हूं राम राज्य, धर्म राज्य और लोक राज्य, इन तीनों को एकार्थी अर्थों में जब गांधी प्रयुक्त कर रहे हैं मैं एक थोड़ा अनुरोध करूंगा, हम आपस में बातचीत कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं उस समय आप आपस में उत्तर प्रत्युत्तर करेंगे तो मेरी दृष्टि उधर जाएगी और मैं विचलित हो रहा हूं। और मैं 2-3 मिनट में अपनी बात को पूरा करूंगा। वस्तुतः गांधी की सभ्यता, गांधी की दृष्टि एक ऐसी सभ्यता की स्थापना की जो अहिंसा पर आधारित, तो इसमें कोई संशय नहीं। अब यह अहिंसा पर आधारित सभ्यता बनेगी कैसे, तो इसके लिए पहले यह मानना ही पड़ेगा, स्वीकार ही करना पड़ेगा कि मशीनें मनुष्य की उपकारक भूमिका में हो सकती है लेकिन मनुष्य का विकल्प नहीं हो सकती है। मशीनें मनुष्य के कल्याण के लिए उपकरण के रूप में प्रयुक्त हो सकती हैं, लेकिन मशीनों की अधिकारिता में, इन द हेजमोनी ऑफ द मशीन्स, हम मनुष्य कल्याण की व्यवस्था नहीं निर्मित कर सकते हैं। वस्तुतः यह मॉडर्निटी की 2-3 मूल अवधारणाओं पर चोट है, विशेष करके 2 अवधारणाओं पर विशेष रूप से चोट है। एक तो साइमन की सोसाइटी इज एन एंटरप्राइज, समाज एक उद्यमिता है, इस पर चोट पहुंचाता है, तो दूसरी तरफ डार्विनियन इवोल्यूशन थ्योरी पर भी चोट पहुंचाता है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की अवधारणा पर भी चोट पहुंचाता है। गांधी की सभ्यता दृष्टि अहिंसा पर इसलिए जोर देती है कि यह दुनिया सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की अवधारणा को अगर स्वीकार करती है और बायोलॉजिकल क्रीचर का जो इवोल्यूशन हो रहा है, इवोल्यूशन श्रेष्ठ की ही उत्तरजीविता पर है, तो इसमें मनुष्य के लिए मशीनें अन्य मनुष्यों के नाश के साधन के रूप में और मशीन की क्षमता है वह अन्यों की अपेक्षा ज्यादा श्रेष्ठ है और केवल मात्र उसकी उत्तरजीविता होगी। इस उत्तर को गांधी के आलोक में देखना पड़ेगा, तब हम 21वीं शताब्दी की वास्तविक चुनौतियों के आलोक में गांधी को देख सकेंगे, क्योंकि गांधी पूरे पश्चिम की सभ्यता के आधार पर, मैं इसी बात को सवाल को खड़ा कर रहा था कि आखिर सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, साइंटिफिक टेंपर की सोसाइटी, मैन क्रिएटेड नेशनलिज्म, इन सब की अवधारणाएं जिस यूएसए से उपजती हैं उसमें करोड़ों लाल काले लोगों का क्या हुआ, अफ्रीकी महाद्वीप में उनकी भाषा का, उनकी आस्था का, उनकी जीवन प्रणाली का क्या हुआ, लेटिन अमेरिकी देशों में उनकी जीवन प्रणाली, उनकी आस्था प्रणाली का क्या हुआ, और करोड़ों करोड़ लोग कहां गए। ये प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में थोड़ी मारे गए थे, केवल अमेरिका में करोड़ों लोगों की
जो 200 वर्षों में हुई हत्या है वो लगभग 2-2.5 करोड़ के आंकड़े अब तो आ गए। गांधी इस आधुनिकता की सभ्यता के खिलाफ खड़े हैं और इसको राक्षसी सभ्यता कहते हैं, और इस पर जोर देते हुए वो चर्चिल को भी कहते हैं, विंस्टन चर्चिल मैं आपकी भी आजादी की लड़ाई लड़ रहा हूं। गांधी का हिंदू स्वराज्य, गांधी की स्वराज्य दृष्टि मनुष्य मात्र की आजादी की दृष्टि है और एक स्वतंत्रता की, मुक्ति की, सभ्यता की निर्मित है जो पिछले 100 वर्षों के प्रयोग में आधुनिकता के बाय प्रोडक्ट के रूप में आई हुई सभी प्रकार की सामाजिक राजनीतिक विचारणाओं में असफल साबित हुई है। वह मनुष्य की मुक्ति की, मनुष्य मात्र की मुक्ति की कोई व्यवस्था निर्मित नहीं कर सके हैं। मनुष्य मात्र की मुक्ति की व्यवस्था को ही गांधी राम राज्य कहते हैं। और ये राम राज्य कहते हुए गांधी जब तुलसी को ध्यान में ले आते हैं तो हमको भी ध्यान में लेना चाहिए। भौतिकता की समृद्धि का लंका से बड़ी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, जिसके दरों दीवार भी सोने की है, और उसके विरुद्ध लड़ रहा राम, पैदल राम, नंगे पांव राम। कुछ उत्तर देता है राक्षसी सभ्यता के बीच पले बड़े वापस आए विभीषण को। ये युद्ध देख करके भय लगता है कि ये इतने सारे आधुनिक आयुधों, इतनी बड़ी ट्रेंड सेना शील्ड्स के साथ रावण लड़ने आया है और राम रथ विहीन है, और ये सोच करके विभीषण, चूंकि उस सभ्यता से आया है उसे इन उपकरणों का पता नहीं है, अहिंसा के उपकरण, सद्गुण के उपकरण, मानव कल्याण के उपकरणों का, सत्य, स्नेह, सील, सौख्य, जिन्हें हम धर्म के रूप में कहते रहे हैं, इससे परिचय नहीं है विभीषण का। तो वो कहता है कि कैसे जीतेंगे। उसका उत्तर जो राम ने दिया था उसी उत्तर को गांधी हिंद स्वराज्य में 20वीं शताब्दी की भाषा में प्रस्तुत कर रहे हैं, और वही स्नेह, सील, सौख्य, औदार्य, अहिंसा, करुणा, आर्जव, सत्य इत्यादि गुण हैं, जिन गुणों पर आधारित सभ्यता और उस सभ्यता के लिए योग्य मनुष्यों का निर्माण, उसके लिए आग्रही मनुष्यों का निर्माण, उस पर सत्यनिष्ठ मनुष्यों के निर्माण का जो यत्न किया जाएगा, यह मनुष्य की आजादी का वास्तविक अनुभव। इसके बीच ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि वर्तमान व्यवस्था के युद्धों के गांधी उस रूप में विरोधी नहीं है, तो प्रथम विश्व युद्ध के खिलाफ खड़े हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में वह अंग्रेजी व्यवस्था का जो समर्थन कर रहे हैं, वो समर्थन जापान के विरुद्ध कर रहे हैं, क्योंकि गांधी को लगता है कि हम भारत के ब्रिटिशर्स की गुलामी से मुक्त होकर के और जापानियों की गुलामी में कहीं फंस न जाए। ये गांधी ने वर्धा में बहुत साफ एक 9 जुलाई 1942 को एक बड़ा लेख भी लिखा है। 14 जुलाई 1942 के वर्धा प्रस्ताव में भी उसका उल्लेख आया है। और उसके बाद भी भारत की आजादी के आंदोलन में जो कुछ हो रहा है उसके पक्ष में गांधी किस प्रकार खड़े हैं उसको भी ध्यान देना। वह लिलिथिगो को चिट्ठी लिखते हुए क्या कह रहे हैं, लिलिथिगो को चिट्ठी लिखते हुए कह रहे हैं कि हमारे आंदोलन में हिंसा हो रही हुई है, अराजकता हो रही है, अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, बातें सब सही है, लेकिन इसके लिए भारतीय जिम्मेदार। देखो इसमें भी कहते हैं कि आंदोलन मेरा नहीं है, ये तो जनता का आंदोलन है, मेरा आंदोलन तो सभी ने अवज्ञा का आंदोलन था, लेकिन यह जो आंदोलन हो रहा है, ये जो चल रहा है, ये जो चल रहा है, इसके लिए जिम्मेदार है भारतीय नहीं है, आपके राज व्यवस्था ने भारतीयों को इस स्थिति में ले आ दिया है कि उनके लिए अब इस ढंग से आपके प्रतिरोध में खड़े होने के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। गांधी इसी बात को कश्मीर के मुद्दे पर
भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध की स्थिति है उसके संदर्भ में भी दोहराते हैं और भारत के द्वारा की गई सैनिक कार्यवाही को जायज ठहराते हैं। अतः गांधी की अहिंसा को राजनैतिक अहिंसा और राजव्यवस्था निर्मित की अहिंसा के रूप में समझने की जो गलती हम भारतीयों ने भी की है, उससे मुक्त होना पड़ेगा। गांधी आधुनिक सभ्यता की मूल हिंसक प्रवृत्तियों का, वो प्रकृति के प्रति भी हिंसक है, अन्य मनुष्य के प्रति हिंसक है, अन्य प्राणियों के प्रति हिंसक है और संपूर्ण विश्व व्यवस्था के लिए तथा हिंसक बनती है, उसके विरुद्ध एक दैवी सभ्यता की बात गांधी हिंदू स्वराज्य में करते हैं, एक मानवीय सभ्यता की बात हिंदू स्वराज्य में करते हैं। 21वीं सदी की चुनौतियां इस प्रकार के मानवीय सभ्यता की निर्मित की है। कोरोना के कालखंड में यह बात दुनिया भर में खड़ी होने लगी थी, लेकिन महामारी गई और हम इतना दास हैं मशीन के और आधुनिक सभ्यता के दुष्परिणामों के कि उससे परे सोच नहीं सकते हैं। और वो सब कुछ जो कोरोना के पहले चल रहा था बदस्तूर जारी होने लगा है। मैं सिर्फ उदाहरण देना चाहूंगा, इस धरती को बचाने के लिए, इस धरती पर ओजोन लेयर को बचाने के लिए अर्थ सबमिट करने की एक परंपरा हमने बना ली और आयोजक सबसे पहले अर्थ सबमिट में इस बात का प्रतिरोध करते हुए दिखाई देते हैं कि हम अपने नागरिकों के जीवन स्तर को 1% भी कम करने को तैयार नहीं है। ये जीवन स्तर वस्तुओं के उपभोग का जीवन स्तर है, जीवन को गुणवत्ता बनाने का जीवन स्तर नहीं है। गांधी जीवन को गुणवत्ता युक्त बनाया जाए, श्रेष्ठ बनाया जाए और वस्तुओं के उपभोग में मनुष्य को सीमित किया जाए, इस जिस सभ्यता की बात कर रहे हैं वो आधुनिक सभ्यता से ठीक उलट है। इसलिए गांधी दुनिया में पहले पोस्टमॉडर्निस्ट हैं जो आधुनिकता की कोख से उत्तर आधुनिकता की उत्पत्ति के बजाय आधुनिकता के संपूर्ण चिन्हों के खात्मे से नई सभ्यता की निर्मित की बात करते हैं। इस अनुरोध के साथ मैं अपनी बात को पूरा कर रहा हूं। मैंने काफी देर कर दिया है, इतना मुझे न तो बोलने का समय था न बोलना चाहिए था आपको 92 अच्छे व्याख्यानों के बाद, तथापि मन का लोभ हमें संवरित नहीं कर पाया। अपनी बात को यही पूरा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य, आपने मेरे आग्रह का मान रखा और उत्तर आधुनिकता के संदर्भ में जिस प्रकार से गांधी की व्याख्या की वो अपने आप में बहुत ही विशिष्ट है और इन सारी बातों का सार ये है, साधन और साध्य वाली बात, कि मनुष्य जो है वो हमेशा साधन है, साध्य है, साधन नहीं है। तो विज्ञान की उन्नति भी हो, उपकरण भी हो, तो वो सिर्फ मनुष्य की सिद्धि के लिए हो, न कि मनुष्य के ऊपर अधिरूढ़ता के लिए। और इसी क्रम में बैठे बैठे कुछ पंक्तियां मुझे ध्यान आ रही थी और इसके बाद कार्यक्रम की अगली श्रृंखला हेतु मैं अपने सहभागी को आमंत्रित करूंगी। तो तू कालो दधि का महातुंग, तू कालो दधि का महातुंग, आत्मा के नभ का तुंग केतु बापू, बापू तू मर्त्य अमर्त्य स्वर्ग पृथ्वी भू नभ का महासेतु, तेरा विराट यह रूप, तेरा विराट यह रूप कल्पना पट पर नहीं समाता है, जितना कुछ कहूं मगर कहने को शेष बहुत रह जाता है। तो प्रासंगिकता के संदर्भ में हम जितनी भी बात कहें वो हमेशा अधूरी ही रहेगी, अपूर्ण ही रहेगी। तो इस कार्यक्रम की अगली श्रृंखला के रूप में मैं डॉक्टर राजीबा को आमंत्रित करूंगी कि वे धन्यवाद ज्ञापन के द्वारा परिपूर्णता प्रदान करें और उसके बाद फिर हम राष्ट्रगान से इसको संपन्न करेंगे। Firstly, pranam to all professors and teachers from online mode and offline mode, and I extend my love to all the research scholars and students, friends.
Firstly, I would like to thank to our chairperson of the seminar on behalf of the department. Thank you, sir, for your for accepting our invitation and making us enlighten through your wisdom. So thank you so much, sir. And on behalf of the department, I thank to the speaker of the seminar or speaker of the study circle who talked about a vibrant topic. His the central point of his talk was crisis of humanity, and he has provided certain reasons behind that. These are crisis of self-realization, crisis of self-knowledge, crisis of understanding, and also self-consciousness. If, and he argues that if we think that Gandhi is relevant in this modern era, the reason behind that is nothing but all these factors. And then, thank you so much, sir, for accepting our invitation and enlightening us through your wisdom. And then I would like to thank the guest of honor who added some important point like ashram system, and she highlighted certain factors behind that system, that is society, politics and religion and some other factors. And she argues that ashram system of Gandhi is living today. That means in this present era we are following either indirectly or directly, but it's existing. Therefore, Gandhi is so much relevant. And then I'd like to thank our HOD because he is so important factor of this study circle, which always inspiring us to continue this academic activities, because this is giving us many things which can use in our life, and we can make us our life so fruitful, and some extent the society will be so good. We can think for a just society through this lens. And then I'd like to thank our coordinator who organized this very, or convener we can say, who organized this study circle or this talk very fruitfully. And then we, on behalf of the department, would like to extend our heartiest thanks to the participants from offline and online, like Professor Paneer Selvam, sir. Thank you so much, sir, for spending us your valuable time and making us the seminar so fruitful. And then Sam Shiva Prasad, sir, D.A. Gangadhar, sir, G.P. Das, sir, Mark Dayovesky, sir, Vipin Pandey, Jayant Upadhyay, Anil Tiwari, Alok Tandon, Vinod Rai, Rajan, and all the participants. As we know, we consider the academicians, the audience of the seminars are so important, because without them, the speaker cannot speak and forget about what will happen later. Therefore, thank you all. Thank you so much. Now it's over to our convener of the seminar.
आप बोलिए। ठीक है, तो अब ये हमारी संगोष्ठी का समापन है और शायद इनको कहने में इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च को भी हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उनके द्वारा जो अनुदान है उसके द्वारा ही संपूर्ण संगोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं क्रमशः नियमित रूप से। तो बहुत बहुत धन्यवाद ICPR भी। और इसी क्रम में इस संगोष्ठी को विसर्जित करते हुए मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ कि अपने स्थान पर खड़े होकर के आप राष्ट्रगान गाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्थल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। साथ ही मैंने कुछ नाम दिए थे राजीबा आपको, कुछ विद्यार्थियों के नाम दिए थे जो लगातार यहाँ पर लगे हुए थे। मैं बहुत बहुत उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आपके सहयोग के बिना राहुल, फ्लोरेंस, वैशाली, पूजा, राजलक्ष्मी और जितने भी डिपार्टमेंट स्टाफ हैं, तो विद्यार्थी यहाँ बैठे हुए हैं, तो उनके प्रति भी बहुत बहुत धन्यवाद।